में बड़ा चेंज है जो इसका इंजन का। अब भाइयों इसमें सिम्पसन नहीं इवेक्को इंजन आता है, ठीक है, वही अपना 29। जल्दी ही भाइयों अपना जनवरी फरवरी तक जो है भाइयों 32-30 जो है भाइयों 16+4 के साथ आ जाएगा। ये देखो भाइयों वैसे ही नमस्कार भाइयों। भाइयों जो आज वीडियो बना रहे हैं वो बना रहे हैं भाइयों न्यू हॉलैंड 32-30 अपना जो 45 HP में सुपर आया है भाइयों, ठीक है जी। इसमें क्या क्या कंपनी ने चेंजेस किए हैं जो अपने किसान भाइयों की डिमांड पे थे, तो उसके बारे में कंप्लीट वीडियो बनाएंगे भाइयों आज। तो फ्रंट से ही शुरू कर लेते हैं भाइयों। इसका जो फ्रंट है भाइयों, फ्रंट जो है भाइयों इसका वही 32-30 वाला फ्रंट है। इसमें आगे की साइड अपना जो है पावर स्टेयरिंग आ जाता है और वही फ्रंट है भाइयों, ठीक है जी। और 45 HP में है ये। और उसके बाद भाइयों इसमें बड़ा चेंज है जो इसका इंजन का। अब भाइयों इसमें सिम्पसन नहीं इवेक्को इंजन आता है, ठीक है, वही अपना 2931 CC का 45 HP का इवेक्को का इंजन इसमें आ गया है अब, ठीक है जी। उसके बाद जो भाइयों इसमें चेंज किया है वो किया है स्ट्रेट एक्सल के साथ हो गया ये, ठीक है जी। स्ट्रेट एक्सल के होने के साथ साथ इसमें कुछ चेंजेस हो गए, जैसे कि इसका प्लेटफॉर्म थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है जी। और अपना जो क्लच है 45 HP कैटेगरी में भाइयों सबसे सॉफ्टेस्ट क्लच है भाइयों इसका, आप इसको बड़े आराम से एक हाथ से दबा सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद इसके टायर, इसके भाइयों टायर थोड़े से हैं जो एक नंबर बड़े कर दिए। पहले जो है 13-28 के टायर आते थे, अब जो है 14-28 के टायर आ रहे हैं इसमें। और इसके बाद आपको इसके बैक में ले चलते हैं, आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट एक्सल के साथ ट्रैक्टर है भाइयों ये, ठीक है जी। स्ट्रेट एक्सल वही अपनी हाइड्रोलिक्स तो भाइयों वही मीटा की आती है, बट इसके जो है स्ट्रेट एक्सल EPI डिज़ाइन के साथ हो गए। 18 क्विंटल की भाइयों जो है इसमें लिफ्ट कैपेसिटी है, ठीक है जी। बाकी भाइयों PT ऑप्शंस की बात करें तो हुई 7 तरीके की PT आती है इसमें, इकोनॉमी, पावर और अपनी ग्राउंड स्पीड PTO। भाइयों 6 साल और 6000 घंटे की जो है इसकी वारंटी है, उसका स्टिकर यहाँ आ जाता है। अब आपको इसकी मैं SFC प्लेट दिखा देता हूँ भाइयों, आप चाहे तो पुश करके भी देख लेना। 41 HP जो है भाइयों इसकी PTO HP है। उसके बाद भाइयों इसमें ऑब्जरी वाल आ जाते हैं, डबल ऑब्जरी वाल आ जाते हैं 45 HP में भाइयों। जो कुछ कंपनियां जो देती हैं वो सिंगल ऑब्जरी वाल देती हैं भाइयों, इसमें डबल आता है, ठीक है जी। उसके बाद आपको आगे दिखाते हैं। तो भाइयों इस साइड जो है अगर हम बात करें तो भाइयों इसका जो ऑब्जरी वाल लीवर है इसमें भाइयों सेल्फ लॉक है, ये आगे को प्रेस करके भाइयों देखो लॉक हो गया, ठीक है जी। जैसे कुछ जो इम्प्लीमेंट होते हैं जैसे अपना हो गया कंप्यूटर लेवलर, तो उसके लिए भाइयों रस्सी बांधनी पड़ती है, तो वो नहीं है। जब आप इसको पीछे को प्रेस करेंगे तो ही पीछे को जाएगा। आपको फिर से दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर आके ये लॉक हो गया, ठीक है जी। और भाइयों पलेंट्री ड्राइव का स्टिकर जो है इसका यहाँ पर आ जाता है। और उसके बाद भाइयों वही अपना 3 सिलेंडर भाइयों इवेक्को का इंजन आता है जो इसमें 3630 में आता है। और जो इसमें छोटे से और छोटे छोटे से अपग्रेड किए गए हैं, एक इस ट्रैक्टर की जो है भाइयों लेंथ बढ़ा दी भाइयों, अपना हब रिडक्शन के वाले 3230 से इसकी लेंथ बढ़ा दी, क्योंकि 45 से जो 50 HP के ट्रैक्टर होते हैं वो का कमर्शियल लिए की भी यूज़ किए जाते हैं अपना, और खेती में भी जो है वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं सभी इम्प्लीमेंट पर। तो भाइयों जब लेंथ बढ़ जाएगी तो फ्रंट लिफ्टिंग कम होगी भाइयों ट्रॉली पर, तो इस वजह से इस ट्रैक्टर की जो है लेंथ भी बढ़ा दी गई है। और भाइयों जो इसमें और छोटे छोटे से जो आगे अपडेट आएंगे तो वो भी आपको जो है रेगुलरली बताते रहेंगे। इसमें जो एक और मॉडल आता है अपना सिंक्रो शटल के साथ जो आता है, 8 फॉरवर्ड 8 रिवर्स के साथ जो मॉडल आता है 4 व्हील ड्राइव, वो भी आता है। और जल्दी ही भाइयों अपना जनवरी फरवरी तक जो है भाइयों 32-30 जो है भाइयों 16+4 के साथ आ जाएगा, ठीक है जी। अपना जो जिस तरह 3602 आता है ना जो भाइयों, अपना 16+4 और 12 PTO स्पीड और 20 गियर स्पीड के साथ भाइयों 32-30 भी जल्द ही आ जाएगा। और अब जो भाइयों इसके ऊपर बैठ के आपको इसका पूरा उसका दिखा देते हैं। तो भाइयों ये जो है इसका PTO क्लच आ गया और ये अपना गेयर क्लच। तो भाइयों अपना वही 1600 RPM पर इकोनॉमी PTO और 2000 RPM पर पावर PTO के साथ भाइयों ये ट्रैक्टर आ जाता है। तो इस तरीके से देखिए भाइयों, ये अब लीवर जो है पीछे गया है, यहाँ पर भाइयों जो है लिफ्टोमेटिक आ जाता है,
ठीक है जी। लिफ्टोमेटिक का जो काम होता है, जैसे आपको बार बार जो है हाइड्रोलिक उठानी है और आप लीवर से गड़बड़ हो रही है, तो यहाँ पर आप लीवर सेट कर दो और ये बटन प्रेस करके जो है हाइड्रोली उठ जाएगी। हाइड्रोली भाइयों इस ट्रैक्टर में जो है उठाने की जो है कंट्रोल नहीं की जाती भी कितनी उठानी है, धरती से इतनी उठानी है या इससे ज़्यादा उठानी है, वो इसमें कंट्रोल नहीं होता, वो 36-30 में होता है। ठीक है जी। तो ये जो उठाएगा वो तो फुली उठाएगा, बस जो नीचे छोड़ेगा वो उतनी छोड़ेगा जहाँ पर आपने ये वाला लीवर, पोजीशन लीवर या कंट्रोल लीवर, मतलब अपना ड्राफ्ट लीवर या पोजीशन लीवर जहाँ पर भी आपने सेट किया हुआ है वहाँ तक ये लिफ्ट छोड़ेगा भाइयों। ठीक है जी। अब भाइयों इवैको के साथ जो है इसका इंजन है, तो अब इसकी साउंड वगैरह भी आपको सुना देते हैं। तो भाइयों ये साउंड सुन लो आप। भाई वो स्ट्रेट एक्सल के साथ है, हाफ रिडक्शन जो है पहले साउंड करते थे। इसके गियर बॉक्स की बात करें तो भाई फुल्ली कॉन्स्टेंस मैच गियर बॉक्स है इसका। ये हमारा हाई लग गया भाई, कोई साउंड वगैरह नहीं आएगी गियर लगाने में, ये देख लो आप, कोई आवाज़ वगैरह नहीं आ रही। ये रिवर्स लग गया, ये देख लो भाई कोई साउंड वगैरह नहीं आ रही। तो भाइयों गेयर बक्से की जो आवाज़ है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, अब देखो भाइयों ट्रैक्टर गेयर लगाते ही अपना पीछे को और ये गेयर लग गया भाइयों। तो भाइयों गेयर बक्से की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। ठीक है जी। तो भाइयों एक बार जो है बैक गेयर की आप गेयर बक्से की आवाज़ भी आप सुन लो कि बैक गेयर में जो है आवाज़, गेयर बक्सा बिल्कुल आवाज़ नहीं कर रहा, आप सुन सकते हैं। देखो भाइयों वैसे ही, हल्का सा साउंड आएगा बस भाइयों, बट गेयर बक्से की जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी है। तो भाइयों आगे भी जो है अपना न्यू हॉलैंड की जो है जो ट्रैक्टर में अपडेट्स आएंगी तो वो जल्दी ही आपको टाइम पर देने की कोशिश करेंगे भाइयों। अपना जो 32-30 के नए मॉडल भी आएंगे उनकी भी भाइयों जल्द ही रिव्यू वीडियो लेके आएंगे। ये एक छोटी सी वीडियो थी भाइयों अपना 32-30 की जो नया मॉडल आया है। ठीक है जी।